दुरुकसमार गांव प्रखंड मांडू जिला रामगढ़। यहां के सिसल के जो ट्रांसपोर्ट रोड है, यहां से बहुत सारे प्रदूषण फैल रहे हैं। आइए मैं गांव वालों से आपको मिलाता हूं। जब से यहां रोड बन गया है तब से हमको बहुत दिक्कत और बहुत गर्दा हो रहा है। बोलते हैं पानी व्यवस्था क्योंकि पानी कम से कम रोड बनाओ, जरा पिच कर दीजिए। मुंशी लोग के बोले वो भी नहीं, गर्दा चला तोबा तोबा। एक दो रोज ना आते, एक रोज ना आए तो एको रोज नहीं रहते। आज ना आए तो कल तुरंत सवेरे भोरे मैंने दिन भर में मतलब कला। खाना बनाने में क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है वही छोड़ देते हैं उगार करके तो गर्दा पड़ जाता है। ऐसे पानी भी लाते हैं तो पानी भी पड़ जाए। सिसियल से बहते हैं तो मैंने कहता है कि तू लोग यहाँ गर्दा उड़ गया, कहता है कि रोड में तुम घर बना लिया है, तू का समझे सरकार का चीज है ऐसे है प्लान, तो कहाँ जाएंगे। महुआ भी पहले से महुआ खोचे ना धार ली, महुआ गिरबे ना कर है गर्दा से। गाड़ी डंपर एक आध बार हम लोग रोक देते हैं तो कहता है कि रोड पर घर बना लिया तो इसमें जाको बोलो जाके फलाना साहब को ढकाना साहब को, तो कौन साहब को हम लोग जाएंगे बोलेंगे, अनपढ़ गुवार आदमी है हम लोग। फल लगने का सीजन तो आ गया, फूल और फल देने का सीजन आ गया। ये डस्ट के चलते कहाँ फूल भी नहीं दिया है ना फल आया है, वही डस्ट के कारण। देखिए कितना गर्दा है, गर्दा हम दिखा देते हैं कि कितना गर्दा है। देख लीजिए अच्छा चावल गंदा, कितना बक्सा टमरे से भी इतना गर्दा घुस गया, तो हम कैसे कहाँ से पानी लाएंगे। पानी तो व्यवस्था यहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे। इतना ही है कि मैंने जाके बहुत दूर दूर से ढूंढोगे तो बहुत सफाई करके खाने पड़ता है, तो हम क्या करेंगे बाबू इसमें, तो बताइए। तो हमको क्या पावर है इसमें करने में, तो रहते हैं गर्दा खाते हैं, सर्दी बुखार हो जाता है कभी कभी काल, तो क्या करेंगे। मैं फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि जो दुरुकसमार गाँव में इतना प्रदूषण फैल रही है, यहाँ के लोगों का जीवन कितना दिन जिया जा सकता है। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है उन पर दबाव बनाएं। उनका फ़ोन नंबर है 9204799151। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़, इंडिया, अनहट से।